ये काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है। मेरे ख्याल से इस पे शायद बातचीत नहीं हुई है कि अगर कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन है जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। क्या ये करा दिया है? अच्छा, नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स मे नॉट बी, ये करना है हमने। तो हम लोग नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन लेंगे और ये मानेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है, तो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा और हम दिखाएंगे कि यहाँ पर ऑर्थोगोनल है हम मान के चल रहे हैं और हमें प्रूफ करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक कलेक्शन ले लेते हैं, लेट V1, V2 अप टू VN बी अ कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कर देते हैं, नॉन जीरो और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो कोई भी VI और VJ का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा जब आई और जे डिफरेंट होंगे, और आई और जे सेम होंगे तो किसी वेक्टर का खुद जैसा इनर प्रोडक्ट तो उस समय वन नहीं, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, उससे नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो यस नॉर्मल सर। तो वन आया था नॉर्म। ये आपके पास कलेक्शन है, ठीक है, इक्वेशन वन कर लेते हैं इसको। अब हम इनको लीनियर इंडिपेंडेंस दिखानी है, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सपोज अल्फा वन वी वन से लेटेड अल्फा एन बी एन इक्वल टू जीरो वेक्टर, हमने मान लिया वेयर अल्फा हाँ जितने भी हैं सब फील्ड के एलिमेंट। तो अब हमें प्रूफ करना है कि सारे अल्फा जीरो हैं। अगर सारे के सारे अल्फा जीरो हो जाएंगे तो ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें? ये जीरो है तो इसका इसी जैसा इनर प्रोडक्ट लेना कैसा रहेगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन बी वन अल्फा एन बी एन का अल्फा वन बी वन अल्फा एन बी एन तो जीरो ही आएगा, जीरो का जीरो के साइन इनर प्रोडक्ट है ये। ठीक है, यस सर। अच्छा अब लीजिए पहले पहले अल्फा वन का लेंगे तो वी वन के साथ अल्फा वन वी वन से लेके अल्फा एन बी एन तक प्लस एंड सो ऑन लास्ट अल्फा एन वी एन के साथ फिर दोबारा पूरा अल्फा एन वी एन इनर प्रोडक्ट दिस इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो आएगा।
इनर प्रोडक्ट के बाद जो आएगा वो तो ऑर्डिनरी जीरो आएगा, फील्ड का एलिमेंट। अब क्या करना हुआ, अब आप इस अल्फा वन को जिसको नीचे ला रहे लाइन, इसको लेके आएंगे बाहर, तो अल्फा वन बार वी वन के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस एंड सो ऑन, या एक आध और करना है तो कर ले, नहीं तो अल्फा एन वन अल्फा एन बार वी वन का वी एन के साथ प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में ऐसे ही अल्फा एन बार वी एन का इनर प्रोडक्ट वी एन के साथ इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फा वन मॉड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल क्वांटिटी है मतलब फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है, तो मॉड अल्फा वन, और ये नॉर्म ऑफ बी वन। बातचीत देखिए प्लीज, कोई भी दो डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट जीरो होना है, तो चलो लास्ट वाला बचेगा अल्फा एन मॉड स्क्वायर और नॉर्म ऑफ बी एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्लीज, हर एक या तो मॉड है या नॉर्म है, तो सभी नॉन नेगेटिव है, इतने सारे नॉन नेगेटिव का स्क्वायर का सम जीरो है, तो कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव तो है ही नहीं, और अगर पॉजिटिव होती है तो सम जीरो नहीं आएगा, तो क्या गुंजाइश है, हर एक अल्फा वन नॉर्म ऑफ वी वन इक्वल टू जीरो, सभी जीरो होने चाहिए इक्वल टू अल्फा एन मॉड और वी एन नॉर्म। लेकिन अल्फा वन से अल्फा एन तक जो वेक्टर्स हैं सब नॉन जीरो लिए थे हमने, अगर नॉन जीरो वेक्टर हैं तो क्या उनका नॉर्म जीरो हो सकता है? नो सर। तो फिर क्या जीरो होगा सर? अल्फा अल्फा एन, तो ये जीरो होगा। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो मतलब उसकी जो लेंथ है वो क्या है? जीरो, तो वो वेक्टर क्या होगा? ये भी सब जीरो ही होंगे। अल्फा वन अल्फा एन सॉरी स्केलर क्वांटिटीज हैं, फील्ड के एलिमेंट, उनका मॉड जीरो है सबका, तो जीरो का मॉड ही जीरो होता है और किसी का नहीं होता। और अगर सारे अल्फा जीरो आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर्स थे वी वन से लेकर वी एन तक, ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ध्यान से देखिए, बहुत सरल सा प्रूफ था, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेना था और प्रूफ करना था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने आसानी से कर दिया, ऑर्थोगोनल लेटर चले इक्वेशन वन, लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए हमने जो कंडीशन हम हमेशा लगाते आ रहे हैं अभी तक वही लगाई है, और यहाँ उसी के साथ इनर प्रोडक्ट कर दिया बस, तो अपने आप ही आ गया, फिर बाकी कुछ है नहीं करने के लिए। यहाँ पर कहा गया है कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू का मतलब क्या है? तो फिर काउंटर एग्जाम्पल देना उचित रहेगा, तो कैसा? हाँ जी, कैसा एग्जाम्पल दें फिर? Conversely, let s equal to दो वेक्टर ले लेते हैं वन वन और वन जीरो, आप इसे चाहे वी वन और इसे चाहे तो वी टू भी मान सकते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस मान रहे हैं हम लोग, यूक्लिडियन स्पेस। वी वन और वी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये चेक करना है। कोई नंबर अल्फा वन इंटू वी वन मतलब वन वन, अल्फा टू इंटू वी टू मतलब वन जीरो, अगर आप जीरो जीरो करेंगे तो आपको पहली इक्वेशन अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू जीरो, और दूसरी अल्फा वन इतना इक्वल टू जीरो, तो अल्फा वन जीरो आ जाएगा तो अल्फा टू भी जीरो आ जाएगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? यस सर।
तो अगर आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में वी वन और वी टू का अगर आप इनर प्रोडक्ट ले तो वन वन और वन जीरो का तो कितना आना चाहिए? वन वन आएगा, तो ये जीरो नहीं आया ना, तो इसका मतलब वी वन इज नॉट ऑर्थोगोनल टू वी टू। तो ये वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है जबकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो कन्वर्स हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने पे ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्थोगोनल होने पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बहुत छोटा सा रिजल्ट है और हर जगह लगता है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? नो सर। सवाल ये उठेगा कि अगर मेरे पास कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन दिया जाए तो क्या उन्हें हम हमेशा ऑर्थोगोनल बना सकते हैं उन वेक्टर्स को किसी तरह एडजस्ट करके? तो काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है नेट जो है ग्रैम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है वो बेसिकली, लेकिन वो लंबा और महत्वपूर्ण लेक्चर है। मुझे लगता है मुझे अभी इसको यहीं पर रोक के उसे नया शुरू करना चाहिए, तो मैं अभी 7:50 पे शुरू करता हूँ उसको। थैंक यू।